गणपति बाप्पा। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, चोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुख दाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। नाच गाना हंगामा, क्या कमाल की तैयारी है। जी 30 साल का होने वाला है, 30 साल से जी आप सभी की फैमिली बनके आपके साथ रहा है। जी कभी आपका वीकेंड बना तो कभी आपका 2 AM फ्रेंड। जी आपसे हर रोज मिलने भी आया। कसम खा के कहता हूं, इंडिया को नाचना गाना और हंगामा करना जी नहीं सिखाया। और जी का मतलब सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन का मतलब होता है गणपति बाप्पा। और आज बाप्पा की कृपा से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जी के 30 साल। आज मुझे यहाँ गणपति बाप्पा नहीं भेजा है, लोग होते होंगे ममाज बॉय, लेकिन अपुन है बापाज बॉय। अरे अपना बाप्पा के साथ ऐसा कनेक्शन है कि डायरेक्ट बात होती है। अरे विश्वास नहीं हो रहा तो रुको, अभी मैं बाप्पा से बात करता हूँ। क्या बात है यार, बापा भी कितने संस्कारी है, देखो शिव जी का रिंगटोन लगा के रखे हैं। हाँ बापा, हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑन दिस ओकेजन ऑफ गणेश चतुर्थी आई विश लॉर्ड गणपति विजिट्स योर होम एंड फिल्स इट विद हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। अरे नहीं नहीं बापा, वो क्या है ना कि आपको डायरेक्टली हैप्पी बर्थडे कहूंगा तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो सोचा कि फॉरवर्ड मैसेज ही भेज देता हूँ। चलो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अरे मैं भी क्या पागल हूँ, भगवान को ही गॉड ब्लेस यू बोल रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं क्या, नीचे जाके पर्सनली सबसे बात करूं। हाँ हाँ अभी शुरू करता हूं मैं। हाँ एकदम एकदम। हाँ तो फिर क्या बात है, क्या बात है, कुछ देखा देखा सा लग रहा है। हा? मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि तुम अभी हो या अभी अभी हो रहे हो, या फिर अभी तुम मोहन हो लेकिन बाद में तुम अभी होने वाले हो, तुम कौन हो? अरे मैं अभी तो मोहन हूँ। हाँ लेकिन अभी अभी भी हूँ, क्योंकि अभी मोहन तेरे साथ बात करना। हाँ तो अभी अभी मेरे साथ है।
नो डाउट ऐसे ही लड़कियों को कंफ्यूज करके यू नो पटाते रह रहे हो यार ये भाई। बिल्कुल यार, लेकिन एक भी खड़े हो जाओ यार, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कमाल की आपकी स्टोरी है। आपकी जो पहली बीवी थी उनकी डेथ हो गई है। डेथ हो गई है पर अभी भी है, कनेक्शन है, मतलब आपसे बातचीत करते रहते हैं। मतलब मरने के बाद भी छोड़ूंगा नहीं। कमाल है भैया, इसको तो सल्यूट ही देना पड़ेगा। हम जीते जी नो अपने बीवी के साथ कनेक्शन नहीं बना पाते, ये तो मरने के बाद भी अपनी बीवी के साथ कमाल का कनेक्शन बना रहा है यार। आपकी आज मरी हुई बीवी भी आई है आज? जिंदा है वो? हाँ, मतलब जो मर चुकी है लेकिन वो जिंदा है। जिंदा है? जिंदा। कहाँ है वो? आप है, कैसे हैं आप? जिंदा हूँ। अच्छा ही ना, क्या बात है। आपको पता है जी रिश्ते अवार्ड्स में 36 अवार्ड्स थे, लेकिन इस साल से हम 37 अवार्ड भी ला रहे हैं और वो है बेस्ट चुड़ैल अवार्ड। जोरदार तालियां हो जाए भैया, जोरदार तालियां हो जाए। अब जी टीवी हमारे लिए सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक फैमिली बन गया है, जिसने कभी हमें प्यार करना सिखाया, कभी हमको हमारे सपने पूरे करना सिखाया, जब जरूरत पड़ी तो हमारी जिंदगी में जरूरी बदलाव भी लाया और हमें रिश्तों की अहमियत को भी अच्छे से सिखाया। जी ने घोली है हर रिश्ते में मिठास, 30 साल का इतिहास। पिछले 30 साल में जी ने हमें सिखाया है कि जो प्यार होता है वो कभी नियम से नहीं होता है, नियत से होता है। जी ने हमें सिखाया है कि प्यार कभी सही या गलत नहीं होता है, प्यार सिर्फ और सिर्फ सच्चा होता है। तुझे देखा तो ये जाना सनो, प्यार होता है दीवाना सनो। तुझे देखा तो ये जाना सनो, प्यार होता है दीवाना सनो। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। पिछले 30 साल में जी ने पुराने रिश्तों का हाथ थामे रखा, लेकिन नई सोच को भी दिल खोल के गले लगाया। वक्त के साथ कदम बढ़ा के आपकी जिंदगी में भी बदलाव लेके आया। सोचा कहा था ये जो पिछले 30 सालों में जी ने हमें सिखाया है कि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन सपनों को पूरा करना होता। पहले जो माँ बाप अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक देते थे, आज वही माँ बाप अपने बच्चों की उंगली थामकर उनके सपनों को उनकी मंजिल तक पहुँचाते। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर बना है मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरे तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो।
पिछले 30 साल में जी ने सिखाया कि रिश्तों को किसी डोर से बांधा नहीं जाता, रिश्तों को जोड़ा जाता है। जी ने सिखाया कि सोमवार से लेकर रविवार अगर साथ आपका परिवार है तो जी की ही तरह आपके लिए भी हर रिश्ता एक त्योहार है। ये जो रिश्ते हैं दिल की नजर से दिखते हैं, ये जो रिश्ते हैं दिल की नजर से दिखते हैं, महसूस करो इनको तो जिंदगी जैसे लगते हैं, ये रिश्ते ही आँखों में सोते और जगते हैं। आओ जी इन्हें मिल के, आओ जी इन्हें मिल के, इन रिश्तों को जी मिल के, आओ जी इन्हें मिल के। जोरदार तालियां हो जाए इस परफॉर्मेंस के लिए, फैंटास्टिक, क्या बात है। लेकिन इतने में बात खत्म नहीं होगी, बहुत बड़ी जर्नी है ये। आखिर जी ने 30 सालों तक अपने दर्शकों के साथ कितना जिया है वो भी तो बताना पड़ेगा ना। जी और हमारे कुटुंब मेंबर्स की जर्नी, आज कुछ चाइल्डहुड पिक्चर्स हम आपको दिखाने वाले हैं और आपको गेस करना होगा कि वो तस्वीर किसकी है। चलिए फिर, वो किसका है जरा बताएंगे, कौन है, कौन है? प्रीता, प्रीता। ये प्रीता आप हो? मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रही हूँ। मैं शायद कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट लिया था। देखो ऐसे कैसे दो उंगली ऐसे करके इन्हें, ये पहले से बचपन से ही जी टीवी के क्रिएटर्स को कहती थी कि प्लीज मुझे कास्ट कर लो, मैं 2 की TRP हमेशा लाती रहूंगी। अभी अगली फोटो देखते हैं किन की आ रही है, जरा ये देखिए। ओहो, आप बताइए कि ये अभी है या मोहन है? अभी या मोहन? भाई इनकी आवाज ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी यार, मोहन। इसके पीछे की कहानी बताओ, क्या सोच रहे थे, या फिर इसे फोटो खींचने के लिए खड़े थे, या फिर कुछ सच्ची में आता था उस टाइम पे? अरे आता तो बहुत था। हाँ। लेकिन जो फोटोग्राफर था उसने कहा कि इस पे कुछ अलग करके दिखाएंगे। मैं बोला इस पे मैं टर्न करके दिखा सकता हूँ। बोला फोटो खींचनी है, वीडियो नहीं बनाना है। अच्छा, क्या बात है। तो चलो अगली फोटो देखते हैं किसकी है। इतनी प्यारी सी कौन है, कोई गैस कर सकता है कौन है? हाँ, अरे ये राधा है। बताइए क्या चल रहा है पीछे? ये पिक्चर जो है, हाँ, इसमें मेरी नानी जी ने मुझे रेडी की थी। लेकिन मुझे जानना है कि जब शब्बीर ने ये फोटो खींची थी तब आप पैदा भी हुई थी? मोहन नहीं, आई थिंक शी वाज एन आइडिया। क्या बात है, चलिए फिर थैंक यू सो मच। अभी अगली फोटो देखते हैं किन की आ रही है। ओ हो ये तो देखिए एकदम एग्जैक्टली वैसी की वैसी है। क्या आपको भी पता था कि शो मिलने वाला है? ऑडिशन के लिए यही फोटो दिया था मैंने। आप कौन से ईयर में बॉर्न हुई थी? 97। आपको पता है जी टीवी पे तब कौन से एक कोई शो का नाम बता दो? पवित्र रिश्ता। कुछ साल पहले ही निकला था वो शो। अमानत, अंताक्षरी, सारे गामा, हम पांच। नॉलेज रखो जी टीवी के बारे में 30 साल। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा प्लीज बैठ जाइए, बस जोरदार तालियां हो जाए। हम मना रहे हैं जी के 30 साल का जश्न और इस साल के जी रिश्ते अवार्ड के फेवरेट धारावाहिक के नॉमिनीज हैं कुंडली भाग्य, कुमकुम भाग्य, राधा मोहन, मीट एंड भाग्य लक्ष्मी। एक ही बात, अपने फेवरेट धारावाहिक को जिताने के लिए मिस कॉल दे सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर, और या फिर आप Z5 ऐप पर भी जाकर वोट दे सकते हैं। बढ़ते हैं हमारी अगली नॉमिनेशन कैटेगरी की तरफ, जो है फेवरेट कैरेक्टर फीमेल। जी के 30 साल सेलिब्रेट करने के लिए आ रही हैं अलग अलग स्टेट से कुछ देवियां।
ये प्रीत है पुरानी, मैं राजा और तू रानी, आ तेरे मेरे जन्मों के वादे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। म्यूजिक में मेरे तुम पंजाबी जोरदार ताला हो जाए। क्या बात है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गणपति बापा आपके जीवन में कितने मायने रखते हैं? सबसे पहले जिसको तुम शुक्रिया करते हो वो भगवान ही है, और बापा की वजह से ही सब कुछ है, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। एंड आई लव ऑल द गॉड्स एंड आई वर्शिप ऑल द गॉड्स, तो बहुत मायने रखते हैं। Biggest support system behind me. क्या बात? Hello? हाँ पापा, क्या कह रहे हैं आप? नाराज है आप? क्यों? ओहो, मैं बात करता हूँ ना। पापा कह रहे हैं कि हर साल आप आते हैं और अपने मन की मुराद पूरी करने के लिए उनसे मांगते हैं कि मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। तो आज पापा कुछ मांगना चाहते हैं। आपको ऑडियंस में जाना है और वो चीज मुझे देनी है, और मैं बापा को डायरेक्टली शो के बाद तुरंत उनको दे दूंगा, ठीक है ना? तो चलिए फिर, बापा वांट्स चश्मा। भागो भागो, कौन आ रहा है? ऑल राइट, एक सेकेंड, किसका लेकर आई? अरे कैमरा मैन का चश्मा लेकर आए, वो कैसे शूट करेगा? कुछ दिख रहा है? ये कितने हैं चाचा? हाँ, ऑलराइट, नाउ बापा वांट्स कि आप जल्दी से अपनी अपनी सासू माँ को स्टेज पर लेकर आइए। जल्दी 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 जल्दी, मुझे बताइए कि सास और बहू का रिश्ता क्या होता है? मेरे हिसाब से सास और बहू का रिश्ता चटनी जैसा होता है। आहा। थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा। क्या बात है। तो आज हम अपनी बहुओं के लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी खुशियों का एक त्योहार है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी बहुएं की खुशियों को नजर ना लगे। क्या बात। और इनका सुहाग, मतलब हमारे बच्चे, उनकी लंबी उम्र के लिए हम हल्दी कुमकुम करना चाहेंगे। Thank you.
थैंक यू सो मच. मैं चाहूंगा प्लीज बैठ जाए, बस जोरदार ताला हो जाए. क्या बात है. अपने फेवरेट कैरेक्टर फीमेल को जिताने के लिए मिस कॉल दे सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर, या फिर आप Z5 ऐप पर भी जाकर उन्हें वोट कर सकते हैं. ऑलराइट, तो बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ. हाथी की पत्नी होती है हथनी और घोड़े की पत्नी होती है घोड़ी. अगली कैटेगरी जो हमारे आने वाली है वो है हम सबकी फेवरेट जोड़ी. जोरदार ताला हो जाए. ओरे पिया, मैं तो तेरे लिए सो रहा जरूर, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना. कितनी प्यारी, कितनी स्वीट, कितनी रोमांटिक जोड़ी है यार. मन करता है आप लोगों के आसपास गुलाब का बगीचा उगा दूं, पर क्या करूं, माली जैसा सिर्फ दिखता हूं, प्रोफेशनली हूं नहीं. एक सेकेंड, एक मिनट. नोटिफिकेशन आया है. अरे बापा का ईमेल आया है, वो भी इंग्लिश में आया है.
क्या बात है पापा। हाँ सब्जेक्ट लिखा है 30 years ऑफ सेलिब्रेशन और लिखते हैं डियर कुटुम गुड इवनिंग काइंड मूडक्स टू ऑल ऑफ यू होप यू आर ऑल डूइंग वेल सेंडिंग यू सम अटैचमेंट प्लीज फाइंड इट एंड डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी फॉर एनी फर्दर क्वेरीज लॉट्स ऑफ लड्डूज गणपति बापा मोरिया। क्या बात है यार अटैचमेंट भेजा है और जरा लेकर आइए स्टेज पर। वेरी एंटरटेनिंग बापा, मतलब सच्ची बता रहा हूं बापा, आपको गेम खिलाना चाहते हैं ना आप इनसे, मैं समझ गया। तो बहुत ही सिंपल सा गेम है। अब हम लड़कों से चाहेंगे कि वो लड़कियों को प्रपोज करे और प्रीता अर्जुन को। तो सबसे पहले प्रीता से ही शुरू करेंगे, लेकिन इसमें ट्विस्ट है कुछ। आपको बता दूं, मैं कुछ यहां से प्लग कार्ड निकालूंगा जो बापा ने भेजे, ठीक है? आपको प्रपोज करते जाना और मैं आपको प्लग कार्ड दिखाते रहूंगा, उस हिसाब से आपको यू नो उनका अपने इमोशंस चेंज करने हैं। रेडी आप? चलिए गो फॉर इट। अर्जुन आई नो कि तुम नए नए शो में आए हो। इतनी जल्दी प्रपोज करना अच्छा नहीं लगता। पर मैं क्या करूं? मुझे बोला गया है करने के लिए तुम्हें प्रपोज। लेकिन तुम्हें लगता है कि प्रीता जो है उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें सच्चाई नहीं पता है, और जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो तुम्हें बहुत हंसी आएगी और तुम कहोगे कि मैंने किया क्या यार, अच्छी खासी सुंदर बीवी की किसी और से शादी करना। क्या बात है यार, जोरदार ताले हो जाए प्रीता और अर्जुन के लिए यार। फैंटास्टिक, सुपर्ब। आ जाइए, अब बारी है राधा मोहन की। आइए मोहन और राधा। राधा आई लव यू, आई लव यू राधा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव, जोरदार ताली हो जाए राधा मोहन के लिए। फैंटास्टिक। मैं तुमसे थोड़ा ढंग से नीचे जाके, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। मीत, मैंने जब तुम्हें सबसे पहले अपने जैसे बालों में देखा तो मैंने सोचा कि ये लड़की लड़की क्या है, ये लड़की लड़की क्या है, ये लड़की लड़की क्या है, ये लड़की लड़की क्या है? वो एक्चुअली जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है ना, तब से मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचता रहता हूँ कि कभी एक दिन तुम्हारे साथ नाच लूँ। प्राची, I love you so much, so very much. मैं तुम्हें ये बता नहीं सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और शायद तुम भी ये पहचान नहीं पाओगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि चाहे कितनी भी लड़कियाँ आ जाए, मैं तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। प्राची। सारे जोड़ी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू सो मच, व्हाट अ स्पोर्ट। प्लीज प्लीज यू कैन टेक योर सीट। थैंक यू सो मच। अपने फेवरेट जोड़ी को जिताने के लिए मिस कॉल दे सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर, या फिर आप Z5 ऐप पर भी जाकर उन्हें वोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारी अगली नॉमिनेशन कैटेगरी की तरफ, जो है फेवरेट कैरेक्टर मेल। सारी लड़कियों को क्या लगता है ना कि लड़कियों की लाइफ पे ही प्रॉब्लम होती है, हम लड़कों की लाइफ पे तो प्रॉब्लम होती ही नहीं है। अबे भाई, लड़कों की भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और लड़कों की प्रॉब्लम ना इज लाइक चिप्स के पैकेट में हवा, दिखती नहीं है लेकिन होती बहुत है। सही बता रहा हूं। और देखो हमारे जी कुटुंब के मेल्स को भी किन किन चीजों से प्रॉब्लम होती है। कालिया, मुझे मार दिए, मुझे मार दिए, मुझे मार दिए, मुझे मार दिए। तुम लोगों को पता है किसने मारे? मुझे मार दिए। अरे अरे अर्जुन, इतना परेशान क्यों है? आ जाओ दिखाता हूँ। मुझे डुबाया गया, मुझे फेंका गया, मेरा खून किया गया था।
किसने? किसने? मेरी अपनी पत्नी प्रीता ने। प्रीता ने। ये दिल पिघला के साज बना लूं, धड़कन को आवाज बना लूं, स्मोकिंग स्मोकिंग निकले रे धुआं। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। ऐसा क्या अत्याचार है अर्जुन? तुम्हारी कोई गलती नहीं है अर्जुन, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। थक चुका हूं मैं ये सुन के। इसका पति हूँ, उसका पति नहीं हूँ, इसका पति हूँ क्या, मैं पति हूँ या नेम प्लेट हूँ? ब्रो किसका पति? प्रिया प्राची फंस गया हूँ मैं। इकलौता मेरा दिल था, भोला भाला सिंपल था, तुझसे मैं टकराया, सर फिरा हो गया। बन What happened, bro? I'm pregnant. तुम्हें बुरा लग रहा है ना कि तुमसे पहले मैं प्रेग्नेंट हो गई, वो भी रणबीर के साथ। और अब हाँ, अब कुछ याद आया? कुछ नहीं हुआ। मैं ऋषि ओबरॉय, मुझ पर कोई हुकूमत नहीं चला सकता, समझी? सोनिया के रूम में मलिष्का लिपटी हुई थी तुमसे। मैं मांगू तो मुझको डांटे, मेरे ही गालों पे डांटे। मैं रहा क्रिकेट के जैसी, तबले पे क्रिकेट के जैसी, लिपस्टिक का टप्पा लगा दी है गालों पे, मुझ मार के। मलिष्का लिपटी हुई थी तुमसे। आओ ओ मेरी, ओ मेरी, ओ मेरी, मेरी, मेरी। तुम कभी बात क्यों नहीं सुन सकती? हाँ तुम्हारा नाम ना शाबाद के डॉन से हटाकर हिटलर बहन जी रख देना चाहिए। भगवान करे कि तुम जब आइसक्रीम खाने लगो ना तो तुम्हारी आइसक्रीम डंडी से पहले ही टपक जाए। इसके साथ तो बीवी कम बापू वाली फीलिंग ज्यादा आ रही है। बापू मोहन, बाकी लाइफ में तो दो दो है, तेरा क्या प्रॉब्लम है? बाकी का तो सिर्फ दो है, मेरा एक प्रॉब्लम नहीं, दो प्रॉब्लम नहीं, तीन तीन प्रॉब्लम है। बाकी भी एडिट से कम नहीं है मोहन जी, हमारे लिए पूजा करते हैं हम उनकी। इस बार मोहन मेरा। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, सुना तुमने? बॉयस ये सब छोड़, लाइफ में बाकी सब कैसा है? बाकी सब मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जवानी, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा, थोड़ी मंजिल की प्यास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। Yeah.
क्या बात है यार, क्या बात है, एकदम मतलब कमाल का एक्ट दिया ये बच्चों ने, एक बार जोरदार तालियां बनती है यार। कमाल है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा ऋषि से कि ऋषि फेवरेट मेल में नॉमिनेट होकर आपको कैसा लग रहा है। मैं इस ऋषि से बात करना चाहूंगा, तुम कहाँ, मैं इससे बात करूंगा। मुझे नॉमिनेट होकर बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को पक्का लग रहा है कि इस बार मैं ही जीतने वाला हूँ, है ना? मैंने बोला ना, हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, हम जीतेंगे, हाँ हम ही जीतेंगे। और हारेगा कौन? हारेगा सब लोग। क्या बात है, बच्चे को ये सब पढ़ा करा रहे हो तुम, ये इन्होंने बोला है ना? ये देखो अंदर ही अंदर गेम प्लान चल रहा है यहाँ पर। फैंटास्टिक, बड़ा मजा आया इस एक्ट में, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच बच्चों, प्लीज आप बैक स्टेज जा सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले अभी जनरली जानना चाहूंगा कैसा लग रहा है नॉमिनेट होकर। भाई बहुत मेहनत लगी यार, और बीवी ने बहुत दुखी कर रखा है, और मतलब नहीं बट बड़ी प्यारी है, लेकिन बनता है यार, मुझे दे दो यार प्लीज। मैं देख रहा हूँ ना, मैं आइसक्रीमों के लिए भी लड़ रहा हूँ यार, देखो कैसे, प्लीज दे दो यार भाई, बोलो ना, आप बोलोगे मिलेगा भाई, बोलो ना। हेलो, हाँ जी, हाँ पायला को पापा, क्या ड्रामा कम लग रहा है? अच्छा 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 अच्छा, अब आप डांस करवाएंगे, ठीक है बापा, आपकी कोई बात टाल कैसे सकता है ना? तो बापा का आदेश है कि वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं, तो एक गाना बजेगा और उस गाने पे आपको ना यू नो बस इतने से ही नाचना है। शुरू करेंगे मोहन, म्यूजिक। प्यासा दिल मेरा लगे अप्रसा, मुझे तन तेरा चमके बरसा, मुझ पर घटाए तू ही मेरी प्यास, तू ही मेरा जान। ए क्या बात है, ये तो वो एक्सप्रेशन दिया तो जो मल्लिका शेरावत ने उस गाने ने नहीं दिया। एक बार जोरदार ताले हो जाए मोहन के लिए। अब अर्जुन की बारी, अर्जुन गाना बजेगा, आपको लड़की वाले एक्सप्रेशन देने। क्या बात है, जोरदार ताले हो जाए अर्जुन के लिए, अर्जुन की अंदर की प्रीता जाग गई है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट। रात का नशा भी आंख से गया नहीं, रात का नशा अभी आंख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन बाहों में छोड़ा। एक सेकंड, मेरे को जानना है पैकअप के बाद कहाँ जाते हैं आप? बहुत ही एकदम प्रोफेशनल वाले एक्सप्रेशन थे तुम्हारे। अब नेक्स्ट नेक्स्ट। आज के तुम पे प्यार आया है बेहद और बेशुमार आया। हेलो पायल आगो बापा, क्या ड्रामा कम लग रहा है? शिव जी बैठ जाओ, शिव जी बोल रहे बैठ जाओ। अच्छा हेलो, रणबीर और ऋषि और मीत। अच्छा अभी गाना भी बजेगा और साथ में कुछ प्रॉप्स भी आएंगे, उसके साथ नाचना है। ओके नो प्रॉब्लम, तो प्रॉप्स लेकर आइए। नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठाएंगे।
म्यूजिक पूरा बनाया नहीं तो बड़ी गंदी औरत बनती थी ये। नाम मेरा जय है लेकिन जय जयकार इनकी होनी चाहिए। एक बार जोरदार ताले हो जाए यार। Fantastic. Thank you so much. What a sport, यार। अपने फेवरेट कैरेक्टर मेल को जिताने के लिए मिस कॉल दे सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर या फिर आप Z5 ऐप पर भी जाकर उन्हें वोट कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी तो ये बस शुरुआत है लेकिन अगले एक महीने तक जी के 30 साल का जश्न होगा। अवार्ड मिलेंगे, एंटरटेनमेंट होगा, नाच गाना हंगामा सब कुछ होगा। अगले हफ्ते जी कुटुंब का एक्चुअल टैलेंट दिखने वाला है। हमारे कुटुंब के सदस्य करेंगे एक दूसरे से टक्कर। एक लाइन में बोलूं तो बहुत मजा आने वाला है। ये है जी रिश्ते अवार्ड्स, जहां हर रिश्ते में है मिठास, 30 साल का इतिहास। तब तक टेक केयर, गुड नाइट एंड सी यू सून। थैंक यू सो मच एवरीवन।